मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए जो आपकी सेकंड यूनिट है उसका जो ई पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। आज मैं कराऊंगा आपको यूनिट टू और पार्ट जो है आपका एक्सरसाइज है वो एफ। देखिए अब इसमें किस टाइप का मेथड मिलेगा आपको, देखिए इसमें मिलेगा आपको आपकी इस तरह से कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी आपको, है ना। उसमें आपको जो क्यू एक्स है उसका मान मिलेगा कितना, उसका मान मिलेगा ए की पावर अल्फा एक्स और वी, जहां पर वी एक अदर फ्रैक्शन है, दूसरा फलन है ना। तो वी का मान लिया तो आपके पास क्या हो सकता है, साइन अल्फा एक्स हो सकता है ना, या फिर कोस अल्फा एक्स भी हो सकता है ना, साइन अल्फा एक्स हो सकता है और कोस अल्फा एक्स हो सकता है, या फिर अदर्स भी कुछ हो सकता है जो जहां तक मैंने कराया जैसे एक्स की पावर एन, बस इसके अलावा शायद नहीं होगा कुछ भी, है ना। ठीक है, ये यहां तक होगा। अब देखिए अगर ऐसी सिचुएशन होगी है ना, तो अपने पास देखें जो अपन पी आई याद करते हैं, पी आई याद करते हैं, तो उसमें पी आई में अपन क्या करते हैं, क्यू एक्स वाला रखते हैं। तो क्यू एक्स तो क्या है, e की पावर अल्फा एक्स और v, एक बार के लिए v मान लेता हूं मैं अपना, क्या है साइन अल्फा एक्स मान लेता हूं ना, समझा रहा हूं बस यहां तक था, एक बार मैं समझा रहा हूं कि साइन अल्फा एक्स मान लेता हूं। अपॉन क्या अपना, अपॉन अपना एफ डी है ना, एफ डी, एफ डी समझ रहे हो, एफ डी ठीक है। अब देखिए अगर अब मेरे को इसको सोल्व करना है कि दो फ्रैक्शन गुणा में तो सोल्व करना है, तो पहले मैं e की पावर अल्फा एक्स को सोल्व करूंगा। तो इसको सोल्व कैसे करूंगा, ये e की पावर अल्फा एक्स बाहर बाहर आ जाएगी और जो सबका साइन अल्फा एक्स है वो अंदर, और जो आपका एफ है वो एफ डी, यहाँ पर कितना है अल्फा, तो डी प्लस अल्फा से रिप्लेस हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो। जहां भी आपको पर्सन में डी दिखे उसके जगह डी प्लस अल्फा जो है आप रिप्लेस कर देंगे तो आपका ये वाला आ जाएगा। और फिर साइन को अल्फा एक्स को अपन अब ये सोल्व हो गया, साइन अल्फा एक्स को अपन सोल्व कर सकते हैं ना, तो ये मेथड है इसको सोल्व करने का। ऐसे अगर एक्स की पावर एम होती तो उसको भी ऐसे करते, तीनों होते तो भी ऐसे ही सोल्व करते हैं ना, पहले ए की पावर एक्स को और ये वाला, ना तो ये मेथड है। आपको जैसे समझा हूं कि ई की पावर अल्फा एक्स था, यहाँ पर आपका साइन अल्फा एक्स हो गया, या फिर आप ये माने कि जैसे आप ये भी कर सकते हैं ना, ये तो हो गया तो समझाने, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पर वी हो आपका दो फंक्शन हो, वी अपने दिखा दिया क्या है, तो ई की पावर अल्फा एक्स और यहाँ पर अपना वी एफ डी प्लस अल्फा। अब आपका डी जो है वो कुछ भी हो सकता है, जो सॉरी वी है वो कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता ना, ठीक है। तो ये आपका मेथड है, बता दिया ना इस टाइप का मेथड तो कैसे करते हैं, बस इतना सा ध्यान में रहना चाहिए ना। अब मैं करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये आपका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आपका डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस हाफ वाई, प्लस है आपका वाई और बराबर कितना है एक्स स्क्वायर वी की पावर थ्री एक्स। देखिए है क्वेश्चन यही, हाँ अब देखिए इसको डी की फॉर्म में लिखें तो जगह अपना डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन और यहाँ पर वाई और यहाँ पर कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर और ई की पावर थ्री एक्स। ध्यान दें गुणा है, जो आपको पहले करवाया था क्वेश्चन में प्लस था, अब गुणा है, ठीक है मल्टीप्लाई है कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डी का मान अपन एम से रिप्लेस करते हैं तो जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ एम वो जीरो हो जाता है, देखें एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन बराबर जीरो, तो ये आ जाएगा एम माइनस वन का स्क्वायर बराबर जीरो, तो एम का मान कितना जाएगा वन वन, दो दो मान आ गए एम की, एक वन और दूसरा भी वन, ठीक है। अब देखें एम के मान दो आ गए तो आप सी एफ क्या लिखोगे, सी वन प्लस सी टू एक्स ब्रैकेट ई की पावर एक्स, यहाँ तक तो ठीक है, सी एफ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब पी आई देखिए, पी आई तो पी आई कैसे निकालेंगे, पी आई में आपको दो फंक्शन दे रखे हैं एक्स ई की पावर थ्री एक्स अपॉन कितना अपना डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन, हाँ ये ठीक है ना। अब देखिए इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, मैंने क्या बताया था कि इसको सोल्व करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, जो अपना e की पावर वाला फंक्शन है उसको बाहर ले लेंगे, है
है ना, उसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले e की पावर वाला फंक्शन जो अपना सोल्व करेंगे, तो देखिए मैं e की पावर 3x को बाहर ले लूं, है ना, अंदर क्या बच जाएगा x स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, देखो अब e की पावर 3x बाहर आ गया, तो अल्फा का मान कितना 3, तो d की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, d प्लस अल्फा, यानी कि d प्लस 3, d प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 d प्लस 3 और प्लस 1, समझ रहे हो ना, यही तो बताया था मैंने कि अपने पास दो फंक्शन होंगे, तो ये v वाला फंक्शन है और e की पावर वाला बाहर निकाल लिया, तो ये कैसा हो जाएगा, ये इस टाइप का हो जाएगा कि d प्लस अल्फा से रिप्लेस हो जाएगा। अब देखो सॉल्व करते हैं, आगे अगर और सॉल्व करो, ये लो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, इसको खोलो तो d स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 d माइनस 2d, और यहां पर भी माइनस का 6, माइनस का 6 और प्लस 1, ये लो इसको अगर और सॉल्व करो तो आ जाएगा आपका e की पावर 3x, और यहां पर देखना x स्क्वायर अपॉन, देखें 6d पॉजिटिव आपका, 2d नेगेटिव, 4d आ जाएगा ना, 6 और ये 9 है और ये 1 10, और 10 में से माइनस का 6 गया 4, है ना, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, ये आपका बच गया, है ना। अब ये तो सॉल्व है, ये आपका तो सॉल्व, ये रिमेन बचा हुआ आपका। अब देखें क्या करते हैं अपन, वही इसको पावर में बनाते हैं, x की पावर को मैंने सॉल्व करना बताया था, तो वही बात है e की पावर 3x, और इनवर्स लिखे इसको, अगर इनवर्स लिखता हूं तो क्या आ जाएगा, d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इनवर्स x स्क्वायर, हां अब देखें, अब उसमें से 1/4 कॉमन ले लें, क्यों, कि 1 प्लस x या 1 माइनस x इनवर्स की अपने को क्या बनानी है, सर्वसमी का बनानी है ना, तो इसमें से 1/4 कॉमन, अब जैसे 1/4 कॉमन तो 1 प्लस 4d प्लस b स्क्वायर बाय 4, ये इनवर्स का फंक्शन और ये x स्क्वायर, अब बोले है ना, अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करो तो देखें e की पावर 3x है ना बाय 4, यहां से आ, ये देखें अगर ये सॉल्व होगा, ये पॉजिटिव साइन है तो सारे टर्म्स जो हैं वो क्या अल्टरनेटिव चलेंगे, तो 1 माइनस ये आ जाएगा x, यानी 4d प्लस माइनस d स्क्वायर बाय 4, क्योंकि ये माइनस साइन यहां पर है तो दोनों को माइनस कर देगा। अब कितना आता है, 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर, तो x ही है तो x स्क्वायर देंगे, अब यहां देख लें एक मिनट थोड़ा सा, x स्क्वायर करेंगे इसका तो 1/4 है ना, और ये कितना है 4d प्लस b स्क्वायर, इसका अगर स्क्वायर तो ये इसका भी स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 1/16 और 4d का 16d स्क्वायर प्लस d 4 और प्लस में हो गया आपका 8d क्यूब। देखें यहां पर x स्क्वायर है तो d क्यूब तो 0 और d 4 भी 0, यहां पर बच जाएगा ओनली ओनली d स्क्वायर, है ना, ओनली ओनली d स्क्वायर, ये अपना सॉल्व है ना। अब इसको और सॉल्व करें, अगर इसको और सॉल्व करें तो और कैसे सॉल्व होगा, बता दें यहां से, अरे क्वेश्चन भी रखो, ठीक है, अब देखें आपका यहां से देखें, ये आ गया आपका e की पावर 3x / 4, और यहां से देखें ये आपका कितना हो जाएगा 1 और 4d अपॉन 4, यानी कि माइनस का आपका जगह ओनली ओनली 4, देख लें माइनस का 4, सॉरी माइनस का ओनली ओनली d, d d आएगा 4 से 4 कट जाएगा माइनस का d, और आगे है माइनस का d स्क्वायर 4 और उस साइड है प्लस का d स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा ओनली ओनली कितना 3/4 d स्क्वायर, और ये हो गया आपका x स्क्वायर। अब अगर इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा पहले की पावर 3x / 4 ना x स्क्वायर को अंदर गुणा कर दो x स्क्वायर, और d का मतलब क्या होता है अवकलन, तो d इस d का करूंगा तो x स्क्वायर के सापेक्ष तो 2x है ना, ये 2x है ना, और इसका करूंगा तो 2 यानी कि 3/2, तो ये हो गया आपका कितना इसका pi, इसका pi हो गया, जो टोटल है आपकी y वो कितना हो जाएगा cf plus pi, और cf आपका कितना है ये c1 plus c2x और e की पावर x, और यहां पर कितना आ जाएगा प्लस e की पावर 3x / 4, और आगे कितना है ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3/2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, उतार के इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आपका यहाँ पर है डी स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस वन, है ना, ये आपका डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस वन वाई स्क्वायर बराबर आपका ये है ई की पावर टू एक्स और साइन टू एक्स। देखो ये दो फंक्शन वापस से एडिशन में करना कुछ नहीं, बहुत ईजी है, कोई सी एफ निकालेंगे तो डी का मान अपन एम से रिप्लेस कर देंगे, जो फंक्शन ऑफ एम है वो अपना जीरो हो जाएगा, तो रख दे एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस वन बराबर जीरो। अब देखो इसके सीधे तो फैक्टर होंगे नहीं, नहीं होंगे ना, तो अपन क्या करेंगे श्रीधराचार्य फैक्टर करेंगे, और श्रीधराचार्य सूत्र सबको मैंने बहुत बार बता दिया तो बार बार नहीं लिखूंगा, है ना। तो देखिए ये बी का मान कितना फोर, तो माइनस फोर है और माइनस बी होता है तो फोर हो गया ना, और ये सिक्सटीन और यहाँ पर माइनस का फोर, हाँ सिक्सटीन और माइनस का फोर पॉइंट ट्वेंटी वन, ये लो मूल में इसके रियल आ रहे हैं, ठीक है, ये अपना बारह हो गया और टू रूट थ्री बाई टू, तो ये हो गया अपना टू प्लस रूट थ्री, ये अपने मूल हो गए, है ना, ये देखें ये वाला अपना मूल हो गया टू प्लस माइनस रूट थ्री, जो आपका रूट टू माइनस प्लस माइनस थ्री जो है वो आपका रूट है, और देखिए ये रूट इमेजिनरी नहीं है, है ना, इसको कदापि आप वो वाला लिखने की कोशिश ना करो जो आपका इमेजिनरी वाला होता है वो नहीं लिखें, ये दो रूट हो गए ये वाला, है ना, उसको आप कभी भी वो वाला लिखने की कोशिश ना करें इमेजिनरी वाला, क्योंकि इसमें ऐड आया नहीं है, है ना, दिख रहा है, तो सी एफ इसका वही नॉर्मल सी एफ हो जाएगा जैसे रियल नंबर का होता है टू प्लस रूट थ्री एक्स और प्लस सी टू ई की पावर और यहाँ पर कोई टू माइनस रूट थ्री एक्स, क्या अपना सी एफ हो गया। अब बात करूँगा मैं अपनी पी आई की, है ना, बात करूँगा मैं अपने पी आई की, तो पी आई कितना हो जाएगा ई की पावर यहाँ पर अपना टू एक्स है और यहाँ पर अपना साइन टू एक्स, और नीचे कितना है डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस वन, है ना, ठीक है। देखिए अब ये अपना हो गया, अब देखिए करना क्या अपने को, करना कुछ भी नहीं है, ई की पावर टू एक्स को बाहर ले लूँ, है ना, पहले ई की पावर टू एक्स ही सोल्व होगी सबको बता दिया, है ना, तो ई की पावर नहीं टू एक्स सोल्व, और फिर ये मानो कि सोल्व, और अब यहाँ पर साइन टू एक्स, लेकिन जो अब देखिए अल्फा का मान कितना था टू, तो जो डी है उसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा डी प्लस टू, तो रख दें डी प्लस टू का स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस टू, हाँ, और आ गया था प्लस वन, है ना, अब इसको और सोल्व करो पहले अपना ई की पावर टू एक्स, देखिए है ना ई की पावर टू एक्स, और यहाँ पर अपना हो जाएगा साइन टू एक्स, और इतना हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस फोर डी माइनस फोर डी और माइनस का एट प्लस वन, ये हो गया आपका। अब देखिए फोर डी से तो फोर डी कटेगा, ये लो है ना, ये फोर है और ये फाइव और माइनस का थ्री आ गया ना, याद रखें ई की पावर टू एक्स साइन टू एक्स डी स्क्वायर माइनस का थ्री, अब डी स्क्वायर माइनस का थ्री आ गया। अब देखें साइन टू एक्स का रूल क्या होता है, साइन मतलब सॉरी साइन अल्फा एक्स का रूल क्या होता है कि जो अल्फा होती अल्फा उसका मान जो है माइनस अल्फा स्क्वायर रिप्लेस कर देते हैं डी स्क्वायर के लिए, तो देखें अल्फा का मान टू है और डी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे अपने माइनस अल्फा स्क्वायर, यानी कि माइनस का फोर, और माइनस का फोर रखें तो जीरो नहीं हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा, तो जीरो नहीं हो रहा, इसका मतलब सॉल्यूशन यही है, और अगर जीरो होता तो अपन क्या करते फिर इसको ई की पावर में चेंज करते हैं, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट में चेंज करते हैं और फिर सोल्व करते हैं, समझ रहे हो, तो ई की पावर टू एक्स और यहाँ पर आ जाएगा अपना साइन टू एक्स, और यहाँ पर ये देखिए माइनस फोर और माइनस का सेवन, है ना, एक चीज आप यहाँ लिख भी सकते हो कि जो आपका अल्फा है वो कितना है टू है और डी स्क्वायर के लिए माइनस अल्फा स्क्वायर प्लेस करना है तो डी स्क्वायर और माइनस फोर हो गया, ये चीजें आप लिख भी सकते हो नहीं, है ना, तो ये आपका पी आई हो गया सी एफ हो गया, तो जो टोटल आपका वाई का मान है वो कितना हो गया आपका, ये हो गया सी वन ई की पावर टू प्लस रूट थ्री एक्स प्लस सी टू ई की पावर टू माइनस रूट थ्री एक्स माइनस ए की पावर टू एक्स और यहाँ पर हो गया साइन टू एक्स और अपॉन सेवन, ये आपका आंसर हो गया, है ना, उतारो उसको, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन करा दिया आपको, एक ही टाइप के क्वेश्चन है ये। चलो ये करते हैं अपन 10 नंबर क्वेश्चन, ये अपना 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। यही अच्छा क्वेश्चन है, यह डी स्क्वायर प्लस आपका 3D+2 डी स्क्वायर प्लस 3D+2 और यहां पर अपना वाई और यहां पर कितना अपना कोस H और यहां पर 2x cos H 2x और sin X cos H 2x और गुणा में आपका sin X है या 2x sin X, है ना। ये अपने को सॉल्व करना है ना। ये क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें आप, ये क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। तो देखें आप cos 2x और sin X, है ना, एक हाइपरबोलिक फंक्शन और एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो दोनों को ऐसे तो कर नहीं सकते, लेकिन अपन जानते हैं कि cos 2x को अपन क्या लिख सकते हैं, cos 2x को अपन लिख सकते हैं, तो लिखो, बता दिया था मैंने, है ना, बहुत पहले ही पहले क्वेश्चन कराया था उसमें, इसकी जगह लिखो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x बाय 2। ये अब बोलो, अब हो सकता है ना, तो e की पावर में आ गए तो हो ही सकता है क्वेश्चन, अगर बी स्क्वायर प्लस 3D+2 क्वेश्चन बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है, बराबर। अब देखें ये हो जाएगा अपना कितना, e की पावर 2x sin x by 2 प्लस e की पावर माइनस 2x और यहाँ पर sin x by 2, ये अपना क्वेश्चन है। अब वही बात, क्वेश्चन का मतलब क्या है कि d का मान अपन किससे रिप्लेस कर दें, m से रिप्लेस कर दें, जो फंक्शन ऑफ f m है वो जीरो हो जाएगा, तो कर दें m स्क्वायर प्लस अपना 3m प्लस 2 बराबर 0, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 बराबर 0, तो जहाँ से अपन आ जाएगा m m प्लस 2 प्लस 1 m प्लस 2 और यहाँ से क्या आ जाएगा m प्लस 2 और यहाँ से m प्लस 1, m के दो मान आ जाएगा माइनस 2 और माइनस 1, हम तो c एफ लिख दें, c एफ कितना आ जाएगा c1 e की पावर माइनस x और प्लस टू e की पावर माइनस का 2x, ये तो अपना सी एफ हो गया ना। अब पी आई देख लें, पी आई देखें, है ना, अब पी आई में ही ट्विस्ट है, पी आई में ही ट्विस्ट है, तो देखें पी आई कितना हो जाएगा e की पावर 2x और आपका यहाँ पर साइन एक्स बाय 2 और ये पी आई बराबर निकाल रहा हूँ, ठीक है 2 और यहाँ पर इक्वेशन कितनी है डी स्क्वायर प्लस 3D+2 और आगे वाली इक्वेशन है 1/2 e की पावर माइनस 2x और यहाँ पर आपका साइन एक्स अपॉन वही डी स्क्वायर प्लस 3D+2 सॉल्व, ठीक है सॉल्व कर, अभी देखें इसको सॉल्व करो, तो आपका e की पावर 2x बाहर, ये वही बता रहा बाहर साइन एक्स, ये 2 भी आपका बाहर, यहाँ पर आपका साइन एक्स और d की जगह क्या रख लें डी प्लस 2 रिप्लेस, आपका d प्लस है 2 रिप्लेस, ये लो आपका ये हो गया, है ना। और ऐसे ये वाला कि आपका e की पावर माइनस 2x तो बाहर, है ना, और यहाँ पर आपका sin x और आपका वही d की जगह क्या रिप्लेस है, अब d की जगह आपका क्या रिप्लेस, अल्फा कितना है माइनस 2, तो वही d की जगह माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 3D-2 और यहाँ पर आपका प्लस 2, है ना। इसको सोल्व करें, है ना, यहाँ से सोल्व करना, देखो क्योंकि वहाँ पर जगह कम पड़ेगी ऐसे लिखने के लिए,
तो देखिए e की पावर 2x बाई टू ये आ गया आपका साइन एक्स अपॉन देखिए ये कितना हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस का आपका 4d प्लस 3d प्लस 6 प्लस 2 देखिए 6 और 10 12 है ना तो ये तो हो गया एक आपका है ना और दूसरा क्या हो जाएगा एक पावर माइनस 2x बाई टू साइन एक्स और इतना देगा डी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4d आपका जो है प्लस का 3d माइनस का 6 प्लस 2 तो देखें ये भी कैंसिल आपस में है ना तो यहाँ से और सॉल्व करूँ ए की पावर 2x बाई टू अब देखें साइन एक्स और यहाँ से अपना कितना हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस 7d और 6 और 4 10 और 2 12 प्लस 12 है ना ये आपका क्वेश्चन अब और देखें आप क्वेश्चन है ना आगे क्या आ जाएगा e की पावर माइनस 2x बाई टू और यहाँ से आपका जो है वो देखें साइन एक्स और यहाँ पर आपका डी स्क्वायर और यहाँ पर देखो एक ये 4d और ये 3d है ना 4d कैसा है नेगेटिव तो यहाँ पे साइन ऑलवेज नेगेटिव बस ये इतना सा आ गया अब इसको और सॉल्व करें अब इसको और सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे कि अपन जानते हैं कि की पावर 2x बाई 2 और जब साइन x और इसको जब सॉल्व करते हैं तो साइन l का मान कितना है 1 तो डी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे माइनस 1 क्योंकि डी स्क्वायर की जगह क्या रखते हैं माइनस l का स्क्वायर तो यहाँ पर माइनस 1 प्लस 70 प्लस 12 ये सॉल्व हम तो और भी सोल्व करना क्योंकि डी ऑपरेटर बिल्कुल खत्म करना होता है डी ऑपरेटर बिल्कुल खत्म करना होता है ना तो और भी सोल्व करना ग्रेट सोल्व नहीं हुआ ये अब यहाँ पर कोई माइनस वन तो ये कितना आ जाएगा साइन एक्स और माइनस वन और माइनस का डी अब देखिए अब इसको और जरूरत पड़ेगी इसको तो ये कंप्लीट देखो ये वाला पार्ट कंप्लीट बैठा हुआ हमें पहले एक बार वीडियो बीच में पॉज कर उतार लेना पूरा है ना फिर ये यहाँ से वापस उतार लेना तो फिर समझ लो और खुद से उतार लेना है ना अब देखें e की पावर 2x यहाँ पे आ गया आपके e की पावर 2x बाई 2 है ना और इसको जब सॉल्व करूँगा तो कितना आ गया आपका साइन एक्स अपॉन 7d माइनस 7d प्लस 11 आपका ये तो ये आ गया और माइनस e की पावर 2x माइनस का 2x बाई 2 है ना और ये कितना हो जाएगा d प्लस 1 क्योंकि माइनस मैंने कहाँ ले लिया बाहर सबको दिख रहा है माइनस मैंने कहाँ ले लिया बाहर ठीक है ना ये आप देखें अब वही देखिए इसको ऊपर और नीचे अपन को वापस से डी स्क्वायर बनाना है और डी स्क्वायर कब बने जब इसको अपन किसके इसके नेगेटिव साइन वाले से गुणा करोगे तो देखिए e की पावर 2x बाई 2 यहाँ कितना आ जाएगा इसको कर दिया 7d माइनस 11 से गुणा और इसको भी 7d माइनस 11 से गुणा और यहाँ पर कितना आ गया आपका वही साइन एक्स ये तो बाहर है इसको तो सोल्व कर लिया आपने ना 7d प्लस 11 माइनस e की पावर 2x बाई 2 अब इसको देखें इसको d माइनस 1 से गुणा हाँ यह आपका d माइनस 1 से गुणा और यहाँ पर आपका साइन एक्स और ये डी माइनस वन यहाँ पर आपका डी प्लस वन अब इसको कंप्लीट सोल्व करें डी की पावर 2x बाई 2 अब देखें वही आपका एक बार और एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं ये आपका साइन एक्स और यहाँ पर आया हुआ अभी देखें 7d एक का कितना हो जाएगा 49d स्क्वायर और माइनस का 121 और माइनस का e की पावर 2x बाई 2 यहाँ पे अगर और सोल्व करूँगा तो आ जाएगा आपका हाँ जगह पर डी माइनस का 1 और यहाँ पर आपका साइन एक्स और ये कितना देगा डी स्क्वायर माइनस का ये और सोल्व करें इसको तो देखें e की पावर 2x बाई 2 है ना इसकी वैल्यू रखें और डी स्क्वायर की जगह क्या रखना माइनस 1 अगर माइनस 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 170 ये तो टोटल 170 हो जाएगा ना और इसको सेपरेट भी ले लूँ तो जगह आपका 7d sin x और 170 में कहाँ निकालूँ बाहर
देखो 170 गुणा कर दीजिए, ये टोटल इसको सोल्व करो, 1 है यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस 1 रखो डिस्क्वायर किसी का, तो कितना हो जाएगा टोटल 170, ठीक है। और देखें 130 और 40 170, ठीक है, आपका माइनस का साइंस ये कंप्लीट सोल्व। हम डी डी सोल्व करना बस, और तो एक कंप्लीट सोल्व है। यहाँ पर आपका है ई की पावर माइनस का 2x बाई 2, और यहाँ पर अगर आगे की बात करूँगा, आगे वाले स्टेप यहाँ लिखा, आगे वाले स्टेप यहाँ लिखा ना, देख लो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 कम्प्लीट, ये फिर पॉजिटिव और ये पर इंटू 2, ये डी स्क्वायर किसी का माइनस 1 रखूँगा तो माइनस 2, और यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया माइनस 12 ले लिया और 2 से इसको गुणा कर, तो ये हो गया आपका डी साइन एक्स माइनस साइन एक्स, है ना। आपका इतना सोल्व हो गया, जितना सोल्व होने के बाद अपने को क्या करना है, ये वाले करना है, छोटा सा बच्चा कुछ अब देखिए वही वापस से क्या करना है, e की पावर 2x देखो, e की पावर 2x और ये कितना 140, है ना, ये 140 340, ठीक है। और 70 साइन एक्स, यानी 70 साइन एक्स कितना हो जाएगा 7 कोस एक्स, है ना, अवकलन कर दिया साइन का और माइनस का आपका साइन एक्स, तो उसका माइनस का साइन एक्स का साइन एक्स यहाँ से, ठीक है। और प्लस ई की पावर माइनस का 2x बाई 4, और उसके बाद आपका जो डी एक्स है डी साइन एक्स, उसको वापस से कोस एक्स कर दिया अपन, है ना, वापस से कोस एक्स कर दिया और इसको साइन एक्स, ये हो गया आपका क्या पी आई, तो पी आई हो गया आपका सोल्व। हाँ, अब देखिए पी आई हो गया ना, तो अब अपने को क्या करना है कंप्लीट सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है भाई, अगर सी ए प्लस पी आई, सी एफ अपना कितना है सी वन ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस का 2x, ये हाँ ठीक है, और इसको लिख दो, इसको लिखूंगा तो क्या आ जाएगा ई की पावर 2x बाई 314, तो ये जाएगा सेविंग आपका कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स और प्लस e की पावर माइनस का 2x बाई 4, और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। उतारो इसको, है ना, उतार लिया, यहाँ से देखो ये 170 माइनस का आया था, है ना, तो ये माइनस वाली टर्म चलेगी पूरी एज इट इज, 170 माइनस का ही था, ये माइनस की चलेगी, और ये वाला जो है 170 वाली देखो माइनस है, ये भी कंप्लीट माइनस है, तो यहाँ भी फिर माइनस आ जाएगा, इसका आंसर होगा, देखो यहाँ पर रखो माइनस 100 तो कितना होता है 170 माइनस का आ रहा है ना, तो माइनस जगह की वजह से लगाना भूल गया, और यहाँ पर लगा लिया, कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपना बिठा लो, ये बड़ा क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन थे, हाँ और बिल्कुल सही है, ऐसा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम आते क्यों, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इनका बहुत बड़ा आंसर आता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन, आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन तो डी स्क्वायर प्लस वन हार्ड आउट सारे करा देता हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ पर है ई की पावर माइनस एक्स प्लस कोस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स प्लस कोस एक्स, देखो यार इसमें तो फंक्शन है ना, वो एडिशन में है, तो ये तो आप कर ही सकते हो ना, फिर भी मैं करा देता हूँ आपको, दिक्कत नहीं है। हाँ एक्स क्यूब प्लस ई एक्स और कॉस एक्स, हाँ पहले अपन इसका देखो सी एफ निकालेंगे, इस क्वेश्चन में पूरे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो पहले मैं सी एफ निकालूँ, हाँ
देखें जी बराबर एम और एफ एम बराबर जीरो, तो रख दें एम स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो, तो एम का मान कितना आ रहा है प्लस माइनस आठ है ना, तो देखिए प्लस माइनस आठ आ रहा है, सी एफ तो आपका ईजी हो गया, सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स आपका सी एफ हो गया है ना। अब पी आई पे ध्यान दें, पी आई पे ध्यान दें, देखिए पी आई क्या है, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन प्लस कोस एक्स आपका कितना है डी स्क्वायर प्लस वन प्लस आपका एक्स क्यूब कितना है डी स्क्वायर प्लस वन, ये भी ठीक है, प्लस आपका ई एक्स और कोस एक्स और ये कितना है डी स्क्वायर प्लस वन। देखो फोर फंक्शन, वैसे फाइव हो गए ये मल्टीप्लीकेशन में, तो ये फाइव हो गए ना। अब देखिए ई की पावर एक्स जब अकेले तो सिंगल सिंगल है ना, ये तो है नहीं कि बाहर ले लो डी प्लस वन की जगह प्लस कर दो, ऐसा तो है क्योंकि वो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में होता है, समझ रहे हो ना, तो एडिशन में सारे फंक्शन। हाँ अब देखिए तो ई की पावर माइनस एक्स को कैसे सोल्व करते हैं, तो ई की पावर माइनस एक्स को ऐसे सोल्व करते हैं कि जो अपना डी डी की जगह यहाँ पर वैल्यू देखो कितनी है, डी की जगह अल्फा की वैल्यू रखनी, अल्फा की वैल्यू कितनी माइनस वन, तो माइनस वन रखेंगे तो डी स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना, देखें माइनस वन रखें और आपका जो डी है वो कितना हो जाएगा, अगर माइनस वन रखते हैं तो आपका जो डी है वो कितना हो जाएगा डी वो माइनस वन और डी स्क्वायर प्लस वन और ये टू, तो इससे सीधा सा सोल्व हो गया ई की पावर माइनस एक्स वाई टू, ये तो सोल्व हो गया। सेकंड टर्म देखें कोस एक्स है अल्फा का मान कितना है वन और डी स्क्वायर की जगह अपन क्या रखना होता है माइनस अल्फा स्क्वायर, तो माइनस अल्फा स्क्वायर रखेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, तो जीरो हो जाएगा, तो इसको तो लिखेंगे इसको फिर कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आर पी पार्ट ऑफ ई आयोटा एक्स अपॉन इसको लिखेंगे डी माइनस आयोटा डी प्लस आयोटा, ठीक है ना, जो जीरो हो रहा है उसको कैसे कर दें, ठीक है प्लस, अब एक्स क्यूब ये तो सिंपल है इसको तो वन प्लस डी स्क्वायर इनवर्स और एक्स क्यूब हम इसको खोल लेंगे। आगे वाला का देखो, अब ये देखो ये दो फंक्शन हो गया, तो ई की पावर एक्स को बाहर ले लो वैसे ही जैसे पहले था, क्योंकि और दो फंक्शन एक साथ हो गए किस में मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या करेंगे डी की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे डी प्लस अल्फा है ना, तो ई की पावर एक्स बाहर सोल्व हो गई और डी की जगह क्या रखना पड़ेगा अल्फा का मान 1 है तो डी प्लस 1 अपना डी प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 ये था। अब और सोल्व करें इसको तो ये अपना हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स वाई टू प्लस, अब देखें ये किसकी वजह से जीरो हो रहा है, ये इसकी वजह से जीरो हो रहा है क्योंकि अब अल्फा का मान कितना आयोटा, तो आयोटा रखता हूँ तो ये इसकी वजह से जीरो हो रहा है, इसकी वजह से नहीं, इसको तो बाहर ले लो डी माइनस आयोटा और ये कितना हो जाएगा आर पी पार्ट ऑफ ई आयोटा एक्स और उनका टू आयोटा, सोल्व कर लिया इसको टू आयोटा, अब देखें प्लस ये कितना हो जाएगा आपका सुरश्मि का बोले तो वन माइनस एक्स यानी कि डी स्क्वायर वन माइनस एक्स डी स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि डी फोर, इससे आगे की पद लेनी क्योंकि जीरो हो जाएगी जीरो तो डी फोर भी होगा, लेकिन एक बार लिख लिया ठीक है। अब देखिए आगे वही ई एक्स और आपका यहाँ पर कोस एक्स और यह देखिए डी प्लस वन का क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस टू डी और प्लस का टू डी वन वन टू, ठीक है यहाँ तक हो गया। अब देखिए आप क्वेश्चन आगे ये कैसे जगह बसती है बोर्ड पता नहीं गलत, चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो अपना ये तो सोल्व है हाँ ए की पावर माइनस एक्स बाई टू आगे लिखूंगा कितना, अब देखिए ये सोल्व हो गया, अब देखिए इसको आयोटा से ऊपर और नीचे बना कर दूंगा है ना, ध्यान दें आप मैं क्या करूंगा आयोटा से इसको ऊपर और नीचे बना करूंगा, उससे पहले मैं इसको इसके किससे बना कर दूंगा ये जो डी माइनस आपका आयोटा है ना डी माइनस जो आपका आयोटा है इसको भी सोल्व करना होता है हाँ इसको सोल्व करना होता है, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं अपन, इसको सोल्व करते हैं अपन किस तरीके से, देखें ये डी माइनस आयोटा है तो इसको अगर अपन सीधा तो सोल्व करते हैं तो फिर क्या हो जाता है ये जीरो है, तो इसको फॉर्मूले से सोल्व कर देंगे, फॉर्मूला कितना हो जाएगा वन बाई टू आयोटा और कितना होता है देखिए यहाँ पर पावर कितनी वन यानी कि एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन और ये जो है आपका आर पी पार्ट ऑफ आयोटा कितना एक्स ये एज इट इज प्लस, अब देखिए इसको करूंगा तो एक्स क्यूब ये लिख दूंगा एक्स क्यूब और माइनस डी स्क्वायर करा दो, मान लो पहले एक बार डी के सापेक्ष अवकलन किया तो इसका हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर फिर किया तो सिक्स एक्स
और आगे का जीरो, डिफॉल्ट का जीरो, ठीक है। प्लस अब आपका प्लस यहाँ पर लगा लो और क्या हो गया आपका ई एक्स। अब देखिए यहाँ पर आपका कितना है कोस एक्स, कोस एक्स और अल्फा का मान कितना है वन। अल्फा का मान वन है तो डी स्क्वायर की जगह क्या रखना है माइनस वन, क्योंकि डी स्क्वायर की जगह माइनस अल्फा स्क्वायर रिप्लेस करते हैं तो माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा टू डी प्लस वन, है ना। तो ये लिखते हैं कोस एक्स और ये आ जाएगा आपका टू डी प्लस वन, क्यों माइनस वन रखा और इसमें से वो कैंसिल हो गया तो टू डी प्लस वन बचेगा, ठीक है। अब और सॉल्व करें, आयोटा से ऊपर और नीचे गुणा करते हैं ये तो हो जाएगा आपका वन बाई टू, क्यों आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन हो गया, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आयोटा है और एक्स कर दो इसको आयोटा, ये एक्स भी बाहर ले लिया और आपका ये आर टी पार्ट और इसका मान कितना होता है कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। आपका ये सीधा सा है एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स प्लस ये वाला, इसको देखो टू डी माइनस वन से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, है ना। ये हो जाएगा 2d माइनस वन से गुणा और ये हो जाएगा आपका cos x और ये कितना हो जाएगा इसको भी 2d माइनस वन से गुणा और 2d प्लस वन आपका नीचे है, क्यों गुणा क्यों किया क्योंकि d स्क्वायर बना नहीं है वापस से cos को सोल्व करने के लिए ना और d नीचे बचना नहीं थी। अब देखिए ये हो जाएगा आपका e की पावर माइनस x बाई टू माइनस x बाई टू। अब देखिए x बाई टू आयोटा को अंदर गुणा कर दो, आयोटा को अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस सॉरी आयोटा cos x और ये फिर माइनस साइन एक्स और पार्ट कौन सा लेना अपने को ओनली रियल, तो रियल पार्ट लेना तो रियल कौन सा बचेगा साइन एक्स बचेगा, वो कैसा बचेगा नेगेटिव क्योंकि आयोटा अंदर चला जाएगा तो आयोटा माइनस वन तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो ये फिर पॉजिटिव और ये आपका साइन एक्स है। अब देखें और आगे चले आपका ये पॉजिटिव हो गया, अब चले प्लस आपका एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स, ये लो आपके तीन टर्म सोल्व है बिल्कुल, है ना। फोर्थ बची उसको भी कर लेते हैं प्लस ये हो गया आपका ई एक्स, है ना। और देखें इसको एक बार और लिख लूँ एक लाइन और बढ़ेगी, ये हो गया आपका फोर डी स्क्वायर माइनस वन, अब डी स्क्वायर की मान कितना है आपका वही माइनस वन तो ये माइनस फाइव हो गया, है ना। इसको और लिख लूँ ये हो जाएगा आपका देखें ई की पावर माइनस एक्स वाई टू प्लस एक्स वाई टू और आपका साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स प्लस 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 नहीं अब माइनस माइनस, क्यों क्योंकि देखो फोर डी स्क्वायर की जगह माइनस वन रखूंगा क्योंकि अल्फा का मान कितना है वन, तो माइनस डी स्क्वायर की जगह क्या रखना होता है माइनस अल्फा स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा माइनस फोर और ये माइनस का फाइव, यहाँ पे माइनस का फाइव और ये देखो अंदर गुणा कर दो कोस को तो जगह टू डी कोस एक्स और माइनस का कोस एक्स, ये लो है ना। और सोल्व करें इसको, अगर और सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपका ई एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू आपका साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स माइनस का ई एक्स बाई फाइव और ये कितना हो जाएगा टू डी कॉस एक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस का टू साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स, माइनस इसमें से फिर कॉमन आ जाएगी और हमारा वाला फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वो भी कर दें मिला के हाथ ई एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू आपका ये साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स और प्लस ई एक्स बाई फाइव और ये हो जाएगा आपका टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, है ना, टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, देख लेना। तो ये जो है आपका ये पी आई सोल्यूशन है, ये आपका पी आई है, ये आपका पी आई का सोल्यूशन और ये आपका सी एफ वाले ये आपका सी एफ, तो सी एफ और पी आई दोनों जोड़ देंगे तो इनका जो है वाई बराबर इक्वेशन बन जाएगी, है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था बस और ईजी था बिल्कुल, ना करेंगे इसको। तो देखें आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपको ये क्वेश्चन कराया जाएगा डी स्क्वायर माइनस का टू डी है आपका माइनस फोर है और यहाँ पर आपका वाई है और यहाँ पर आगे जो है आपको प्रश्न में गिवन है ई की पावर एक्स और कॉस एक्स और माइनस का आपका साइन स्क्वायर एक्स। देखें सीधा तो कर नहीं सकते, तो क्यों साइन स्क्वायर एक्स की टर्म है ना, साइन स्क्वायर एक्स की टर्म, तो साइन स्क्वायर एक्स की टर्म को अपन किस में चेंज करेंगे, देखें ऐसा अपने पास फॉर्मूला होता है कॉस क्यूब एक्स का होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी ये वाली, तो रख लें ये वाली, तो हो जाएगा अपना डी स्क्वायर माइनस का टू डी और माइनस का फोर,
या आपका वाई बराबर और देखें ई की पावर एक्स और कॉस एक्स माइनस, और वो वीडियो रखेंगे तो देखो एक माइनस साइन ये है तो इस जगह 1/2 और आगे वाला जगह पॉजिटिव और कॉस 2xy 2, ये हो गया ठीक है। अब देखिए डी को अपन एम से रिप्लेस कर देंगे, फंक्शन ऑफ एम है वो आपका जीरो हो जाएगा, तो रखें एम स्क्वायर माइनस का 2m माइनस का 4 बराबर 0। तो इसके अगर फैक्टर करेंगे तो सीधे तो फैक्टर होंगे नहीं इसके, है ना, तो वही सीधाचारी से निकाल लें इसके फैक्टर, तो ये 2 प्लस माइनस रूट और 4 माइनस का और 16 और 2 × 1, यहाँ देखें ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अपना यहीं लिख लें 2 प्लस माइनस 2√5 अपॉन 2, तो ये जगह आपका 1 प्लस माइनस रूट 5 इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो इसका सी एफ जो है वो आप क्या लिखेंगे, सी एफ लिखेंगे C1 प्लस रूट 5 का x ना, और ये आपका जगह प्लस C2 1 माइनस रूट 5 का x। अब देखें एक चीज ध्यान से देखें कि ये जो रूट है वो आपके काल्पनिक बिल्कुल नहीं है, कभी आप इनको काल्पनिक कर दो नहीं, इमेजिनरी नहीं है, इट्स रियल रूट, वास्तविक है ना, क्योंकि आयतर के वैल्यू, तो इसलिए वास्तविक रूप में लिखा जाना चाहिए। क्योंकि देखें आपको एक चीज बता रहा हूं कि 1+√5 इसका मतलब है 1+2.14 मान लो, है ना, जितना भी होता है रूट का 2.14 मान लो, इसका मतलब 3.14 इसका एक रूट है, तो ये एक वैल्यू है जो रियल नंबर है, समझ रहे हो ना, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप ये आपकी इमेजिनरी संख्या है, ठीक है, और वो है वो आपका नेगेटिव वाला रूट है, ये जो आएगा आपका ये नेगेटिव वाला रूट आएगा, समझ रहे हो ना, आपका नेगेटिव वाला रूट आएगा। अब देखिए इसको अगर और सॉल्व करो, इसका पी आई निकालो, इसका पी आई जो है वो आपका कितना हो जाएगा, हो जाएगा ई एक्स और कॉस एक्स है ना अपॉन कितना ई स्क्वायर माइनस का 2d − 4 यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पे लिखा माइनस e की पावर 0x/2, देखिए 1 है तो इसकी पावर e की पावर 0x में कन्वर्ट कर दिया, समझ रहे हो, और वो क्यों किया, सिर्फ और सिर्फ इसका सॉल्यूशन करने के लिए, हाँ ठीक है, और आपका यहाँ पर cos का 2x और यहाँ पर जो है आपकी वैल्यू आ जाएगी 2d² − 4d, 2d + 4, देखिए प्लस ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ध्यान रखिए माइनस है दोनों, है ना, जैसा प्रश्न में गिवन है वैसा का वैसा लिख लिया। अब यहाँ से ये अब करें इसको, तो e की पावर x को बाहर ले लिया, ठीक है, ये हो गया अपना cos x और अल्फा कितना था e की पावर x में 1, तो जो d का मान है वो d+1 से रिप्लेस हो गया, करो d+1 का स्क्वायर और माइनस का 2d+1 माइनस का 4, ये तो यहाँ फैक्टर हो गया माइनस और जीरो रखें इसमें 0 0, तो ये कंप्लीट 0, ये −4, ये 2 माइनस का 8 और प्लस ये 1/8 हो जाएगा, ये बहुत इजी सॉल्व हो गया, इजी सॉल्व है ना, प्लस ये आपका देखिए cos 2x है तो 1/2 दोबारा और cos 2x। अब जहाँ पर भी आपको अल्फा देखे, अल्फा का मान कितना 2, तो d² इसे क्या रखेंगे −α² तो 2 का कितना हो जाएगा −4, −4 − 4 − 8, तो जगह आपका −2d और −8, ठीक है, इसको और सॉल्व कर, अगर इसको और सॉल्व करूँगा तो एक लाइन और यही लिख लूँगा, देखो e की पावर x और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका cos x और ये हो जाएगा अपना d² + 1 प्लस 2d − 2d और माइनस का ये −2 − 4 प्लस ये आ गया 1/8 और देखो इसमें से 2 और कॉमन ले लूँगा तो ये कितना आ जाएगा अपना −1/4, माइनस भी कॉमन और −2 भी कॉमन, तो आ जाएगा अपना cos 2x और ये कितना आ जाएगा नीचे, नीचे आ जाएगा d+4। अब आप देखें d+4 है, इसको वापस से मेरे को d² बनाना, तो मैं क्या करूँगा d − 4 से ऊपर नीचे इसको गुणा करते हैं, d − 4 ex यहाँ पे आ जाएंगे cos x। अब यहाँ पे देखें आप ये 2d से 2d कट गया और ये आ जाएगा d² − 5, ये लो हाँ
प्लस आपका आगे देखें 1/8 है, 1/8 का 1/8 हम माइनस का 1/4 और यहाँ पर आ जाएगा आपका d माइनस फोर और यहाँ पर आपका कितना है cos 2x और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखें d स्क्वायर माइनस 16। d की वैल्यू कितनी है, सॉरी अल्फा की वैल्यू 2 और d स्क्वायर की जगह क्या रखना है माइनस अल्फा स्क्वायर, तो वो माइनस 4 वापस से, और इसको देखें इसमें अल्फा की वैल्यू 1 है और d स्क्वायर की जगह माइनस अल्फा स्क्वायर, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, यानी की पावर एक्स कोस एक्स और 6 माइनस यहाँ लगा दिया, ठीक है। दो फंक्शन सोल हो गए आपके, है ना, दो सोल है ये वाला भी सोल है, अब एक बचा ये देखें ये कितना हो जाएगा 1/ ये हो जाएगा आपका माइनस का 20 और ये माइनस 4 है तो ये 80 हो जाएगा, और यहाँ पर देखें अगर इसको सोल्व करो तो डी आपका जो डी कोस 2x है वो हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x और माइनस का 4 आपका कोस 2x, ये और थोड़ा सोल्व करते हैं इसको, अगर और सोल्व थोड़ा सोल्व करो इसको तो ex हो जाएगा आपका कोस एक्स बाई 6 प्लस 1/8 प्लस 1/80 ना, यहाँ से देखें माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस को कॉमन लिया है तो ये प्लस वाला तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस 2 कॉमन, माइनस यहाँ पर लिख दिया इंटू है भैया, है ना, 12 मत समझ लेना उसको, ठीक है। वो हो गया आपका साइन 2x प्लस का 2 कोस 2x, अब देखें थोड़ा सा यहाँ देखें ये कितना हो जाएगा कट जाएगा ये 40 हो जाएगा 40। अब इसका जो y की वैल्यू वो कितनी होती है सी एफ प्लस पी एच, सी एफ कितना है c1 और a की पावर 1 प्लस रूट 5 पर x, है ना, प्लस आपका c2 है c2 और a की पावर 1 माइनस रूट 5x, ठीक है। और आपका जो pi है वो है e की पावर x cos x y 6 प्लस 1/8 माइनस आपका 1/40, हाँ 1/40 और आगे क्या करना है आपका साइन 2x और प्लस ना आपका 2 cos 2x, है ना, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट आंसर हो गया, है ना। अब मेरी बात सुने आप ध्यान से, जो आपकी यहाँ बताऊंगा है ना, जो आपकी यूनिट 2 है उसकी जो एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज नंबर F वो भी कंप्लीट हो गई, F कंप्लीट, G क्या है, G यही है बस जो कराया है, ये एक फंक्शन और जोड़ देंगे आगे x की पावर m का, कुछ नहीं वो भी है, मानो कि एक दिन में हो जाएगी E F और G एक दिन, फिर बचेगी आपकी B जो मैंने छुड़वाई थी ना एक दिन में B, यानी कि दो दिन में आपकी जो यूनिट 2 है वो कंप्लीट, ठीक है। फिर यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, है ना, पढ़े अच्छे से, और इन क्वेश्चनों में अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है ना, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चन मेरे को बता दें, मैं उस क्वेश्चन को भी सोल्व करा दूंगा, है ना। और अब करना क्या है आपको, आपकी 2 यूनिट कंप्लीट होने जा रही है, तो आप बढ़ाएं इस चैनल को, थोड़ा बढ़ाएं इसको, शेयर करें अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि और बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें, मुफ्त क्लासेस चल रही हैं तो आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि फ्री पढ़ सकते हो तो इतना तो कर ही सकते हो कि उसको आगे बढ़ा दो थोड़ा, है ना, थोड़ा हमारा भी फायदा हो जाए, ठीक है।